I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 2 of class 6th, which is Components of Food. In this video, we are going to cover following topics: other components of food, balanced diet, and deficiency diseases, which is from your book page number 22 to page number 25. Let's start with page number 22, roughage. We are often advised to include a lot of raw food such as salad in our diet and to eat fruits along with the peel. हमें कहा जाता है कि हमें अपनी डाइट में सैलेड यानी जितना रॉ फूड हम ऐड कर सकते हैं हमें ऐड करना चाहिए, या जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं उन्हें बिना छिलका उतारे खाना चाहिए. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट फ्रूट विद द पील. प्लांट फूड मटेरियल कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज. जितने भी प्लांट मटेरियल्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, उनमें फाइबर होता है. किस फॉर्म में? सेल्यूलोज की फॉर्म में. बट फाइबर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है हमारी बॉडी के लिए? दिस डाइट्री फाइबर्स डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर अस. ये जितने भी डाइट्री फाइबर होते हैं उनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती हमारे लिए. लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो हमें एनर्जी देते हैं, बट इन डाइट्री फाइबर्स की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती. हाउएवर इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर बॉडी. कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होने ना होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. The dietary fiber or roughage as it is commonly called, dietary fiber और इनको हम roughage भी बोलते हैं, adds bulk to undigested food material. जो भी undigested food होता है हमारी body में उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये bulk add कर देते हैं. This helps in easy bowel movement and रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये क्या होता है, जो भी हमारे अंदर का डेफिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हम एक्सक्रीट करते हैं बाहर, उस प्रोसेस को ये ईजी करता है, उसमें हेल्पफुल रहता है ये. दस रफेज हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन. और रफेज किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? डाइट्री फाइबर इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ये कब्ज नहीं होने देते हमें. इनफैक्ट रफेज रिच डाइट हैज़ बीन फाउंड टू कीप अवे डिसीज़ लाइक कैंसर. अगर हम डाइट्री फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो उससे हमें डिसीज़ भी नहीं होते लाइक कैंसर. कैंसर से भी ये हमें बचाता है. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, whole grains and pulses are foods rich in roughage or fiber. Fresh food, vegetables, whole grains and pulses, ये सब examples हैं dietary fibers के. इनमें dietary fibers पाए जाते हैं. अब next हम आ जाते हैं water and indispensable पार्ट ऑफ आर डाइट. वाटर क्या है? हमारी डाइट का एक बहुत ज़्यादा आवश्यक, परम आवश्यक पार्ट है. वाटर इज नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट.
वाटर को हम न्यूट्रिएंट की तरह कंसीडर नहीं करते हैं, येट इट इज़ असेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, लेकिन फिर भी ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अबाउट 70% ऑफ आर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी वेट का लगभग 70% वाटर ही होता है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस फॉर सेवरल रीजंस। वाटर हमारे लिए बहुत सारे रीज़न में इम्पॉर्टेंट होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इट हेल्प्स आर बॉडी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में जो हम लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इनसाइड आर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटीरियल्स होते हैं ठीक है उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है वाटर। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आर बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्वेटिंग। वाटर से और क्या हेल्प मिलती है हमें, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है। ओके, कैसे बनाए रखता है, हमें स्वेट आते हैं ना उसी के थ्रू हमारे ये बॉडी के टेम्परेचर बनाए रखता है। आर बॉडी लूजेस वाटर कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यूरिन एंड वेपर व्हाइल ब्रीथिंग। हमारी बॉडी कंटिन्यूस वाटर लॉस करती है, लाइक स्वेट पसीने हमें आते हैं यूरिन के रूप में निकाल देते हैं और वाटर वेपर जब हम ब्रीथ करते हैं तो वाटर वेपर्स भी निकलते हैं जिसके थ्रू क्या होता है वाटर लॉस होता है। हैंस वी नीड टू रिप्लेनिश आवर बॉडी विद वाटर, अदरवाइज इट कुड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी से वाटर निकल रहा है कंटिन्यूसली तो हमें क्या करना है, हमें वापस पानी पीना होगा, हमें वापस हमारी बॉडी में क्या करना होगा वाटर को लेना होगा ठीक है। अगर हम वाटर को वापस नहीं लेंगे अपनी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वन शुड ड्रिंक अबाउट 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हमें एटलीस्ट 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए एवरी डे ठीक है, एटलीस्ट 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क एंड जूसेस। कुछ और वाटर के भी सोर्सेज होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क और जूसेस, इनसे भी क्या हमें मिलता है वाटर। वाटर इज ऑल्सो एडेड टू आर फूड वाइल कुकिंग। और जब हम अपना फूड बनाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं, तो फूड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विच इज बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। द फूड वी ईट डेली फॉर्म्स आर डाइट। जो भी हम खाना डेली खाते हैं वो क्या होती है, वो हमारी डाइट होती है। दिस डाइट मस्ट इंक्लूड वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, नीदर टू लिटिल नॉर इन एक्सेस। इस डाइट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ना तो बहुत कम मात्रा में और ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में,
मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स इज टर्म्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। ऐसी डाइट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि ना तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हैं, क्या है, बैलेंस्ड हैं, इसीलिए हम इसे बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनफ वाटर एंड रफेज। इसमें क्या होता है, क्योंकि वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो इसमें वाटर भी होता है और रफेज भी होता है। द डाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द एज ऑफ द पर्सन, जेंडर, द टाइप ऑफ वर्क और फिजिकल एक्टिविटी एंड द कंडीशन ऑफ द बॉडी, वेदर डिसीज्ड और हेल्दी। एक पर्टिकुलर पर्सन की डाइट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक कि पर्सन की एज कितनी है, पर्सन का जेंडर क्या है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, टाइप ऑफ फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड द कंडीशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी में कोई रोग तो नहीं है, मतलब हम बीमार तो नहीं हैं या हम हेल्दी हैं, तो इन सब पर हमारी डाइट क्या करती है, डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पीपल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जो भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो भी एक पर्सन को चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेट्स स्टडी अबाउट दोज फैक्टर्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल नीड टू टेक मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जो भी ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं या भी जो भी एल्डर पीपल्स होते हैं उनको यूजुअली क्या चाहिए होता है, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, मतलब उनकी डाइट में क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और आयरन भी होना चाहिए। पीपल वर्किंग एज लेबरर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज देयर वर्क इन्वॉल्व्स इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एंड सो दे नीड मोर एनर्जी। जो भी पीपल जो एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं, लेबर की तरह वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। जब उनको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाएगी सो दे आर एबल टू डू एनी फिजिकल वर्क। पीपल हु आर सिक आर एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम टू मच ऑफ फैटी फूड एज फैट आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जो भी बीमार लोग होते हैं उन्हें नॉर्मली बोला जाता है कि आप फैटी फूड्स कम खाएं जिनमें फैट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फैट बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट होने। ऑल राइट, आफ्टर बैलेंस डाइट लेट्स डिस्कस अबाउट गुड कुकिंग हैबिट्स, कि अच्छी कुकिंग हैबिट्स क्या होती हैं, कैसे हम अपने खाना और अच्छा बना सकते हैं और हाइजीनिक बना सकते हैं। सम फूड्स आर ईटन रॉ। कुछ फूड्स हम क्या खाते हैं, रॉ खाते हैं, मतलब कि उन्हें बिना पकाए हम खा लेते हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल फूड आइटम्स दैट हैव बीन कुक्ड बिफोर ईटिंग। लेकिन और भी सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम, बहुत सारे फूड आइटम जो कि हम पकाकर खाते हैं। कुकिंग इम्पार्ट्स फ्लेवर टू फूड एंड मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट।
हम फूड को कुक क्यों करते हैं? जब हम उसे रॉ भी खा सकते हैं, तो हम कुकिंग कुक क्यों करते हैं फूड को? हम कुकिंग इसलिए करते हैं फूड की बिकॉज उसमें फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं, और फ्लेवर के साथ क्या होता है, वो इजी हो जाता है डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के थ्रू। कुकिंग फूड इन राइट वे इज नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फूड को सही तरीके से पकाना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं। वाइल कुकिंग वी शुड टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स लिस्टेड बिलो। कुकिंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट डिस्कस। ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग एंड डीप फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड ऐड एक्स्ट्रा कैलोरीज एट टाइम्स। हमें फूड को ओवर हीट नहीं करना चाहिए, ओवर बॉयल नहीं करना चाहिए और डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, वरना उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी आ जाती हैं। विटामिन सी इज ईजीली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर हम उसे ओवर हीट करते हैं तो किसी भी फूड में से। यूज़ ऑफ एक्सेस वाटर वाइल कुकिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हमें फूड में, फूड बनाते टाइम वाटर का अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। वॉशिंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिमूव्स मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, सो वॉश देम बिफोर कटिंग। हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट को कभी भी काट कर वॉश नहीं करना चाहिए, बल्कि काटने से पहले ही उन्हें वॉश करना चाहिए। अगर हम काट कर वॉश करते हैं तो उनमें से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिपीटेडली रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। हमें राइस को और पल्सेस को बार बार नहीं वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बार बार वॉश करेंगे तो उनमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी, चली जाएगी। So these are some good cooking habits which we should follow. अब हम आ जाते हैं deficiency diseases पर। One may be eating enough food but not necessarily the right type of food. एक person enough खाना तो खा रहा है, okay, but राइट टाइप ऑफ फूड वो नहीं खा रहा। ओके, इफ आर डाइट डज नॉट कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, आर बॉडी स्टार्ट शोइंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर हम अपनी डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनकी एक प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर पोर्शन नहीं खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, हमें साइंस और सिम्टम्स दिखाने लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए जा रहे हैं या फैट कंज्यूम किए जा रहे हैं, हम विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अदर वो नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी हमें साइंस और सिम्टम्स दिखाने लगेगी। दीज डेफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू deficiency diseases। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत लंबे समय तक क्या करेगी, हमें deficiency diseases हो जाएंगे इनके। deficiency diseases are the result of malfunctioning of body due to lack of one or more nutrients in the diet। डेफिशिएंसी डिसीजेज़ की वजह से क्या होता है, हमारी जो भी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो इफेक्ट होती है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आर वेरी मच एविडेंट।
जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें ये प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम और अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है। मेल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड व्हेन द फूड टेकन इन डेफिशिएंट इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कुपोषण क्या होता है, जब हम जो भी फूड खा रहे हैं लेकिन वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते। वेयर एज अंडर न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट इन टेक ऑफ फूड, वहीं अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम फूड ही नहीं खा रहे। मेल न्यूट्रिशन में ये होता है कि हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं बट वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और अंडर न्यूट्रिशन में हमें फूड ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस, उनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और किस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें क्या क्या डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोटीन। ओके, प्रोटीन की कमी की वजह से हमें कौन से डिसीज हो सकते हैं, क्या इफेक्ट हमारी बॉडी, क्या साइन और सिम्टम्स दिखाएगी। सो प्रोटीन की कमी से जो हमें डेफिशिएंसी डिसीज होता है उसे हम कहते हैं क्वाशियोकोर। इसमें क्या होती है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, हमारी स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है, लेग्स थिन हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो क्या होता है, मैरेस्मस हो जाता है हमें, विच इज़ थिनिंग वेट लॉस एंड वीकनेस। मतलब क्या होगा, आप पतले हो जाएंगे और वेट लॉस और वीकनेस आने लगेगी, कमज़ोरी हमें आने लगेगी। वैसे ही विटामिन ए की कमी से हमें होती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमें डिम लाइट में दिखना कम हो जाता है, पुअर विजन हो जाता है हमें। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं विटामिन B1 पर, जिसमें क्या होता है, हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं B2 पर, जिसमें हमें पेलेजरा रोग हो जाता है, इसमें होता है हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डायरिया एंड मेमोरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें हमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है और मेमोरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ठीक है, हमें याद करने में प्रॉब्लम होने। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी में होता है हमें स्कर्वी, जिसमें क्या होता है, हमारी जो गम्स हैं ठीक है उन ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं, मतलब मसूड़ों में से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है हमें। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है, जो कि क्या होता है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ओके, फिर कैल्शियम की कमी से हमें क्या हो जाता है, हाइपोकैल्शीमिया, और जिससे हमारी बोन्स क्या होते हैं, बोन्स और टूथ डिके हो जाते हैं। ऑल राइट, कैल्शियम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आयरन। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, जिसमें हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। ठीक है, पेलनेस हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, बैड टीथ एंड वीक बोन्स, वीकनेस आ जाती है हमें फॉस्फोरस की कमी से। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, फिर डेंटल कैरीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हमारी जितने भी वीक हो जाते हैं टीथ और बोन्स। सोडियम की कमी से मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारी जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाती है और हमें वीकनेस आने लगती है सोडियम की कमी। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की कमी से क्या होता है, क्लोरीन की कमी से भी क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, वीकनेसेस क्रैम्प्स आ जाते हैं। कैल्शियम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भी क्या होता है, हमारे मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स में वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सब की प्रॉब्लम हमें होती है मैग्नीशियम से। सो अगर
शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये होता है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स हम नहीं लेते हैं, लाइक कोई भी प्रोटीन, एनी विटामिन एंड मिनरल्स, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाते हैं. ओके, सो वी शुड टेक ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वी शुड ऐड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. गॉट माई पॉइंट? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम. Admissions are open. Kindly contact for the further information. Thank you so much again.